खबर भाटापारा से है, जहां विधायक गोद ग्राम गुडेलिया में लाखों के विकास कार्यों का विधायक शिवरतन शर्मा ने लोकार्पण किया है। आपको बता दें, भाटापारा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधायक के गोद ग्राम गुडेलिया में भाटापारा विधायक शिवरतन शर्मा के द्वारा लाखों के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया गया है, जिसमें महामाया मंदिर परिसर का उन्नयन, स्कूल परिसर उन्नयन, साथ ही 84 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले पानी टंकी निर्माण, 19 लाख रुपए की लागत से जुन्ना तालाब सौंदर्यीकरण के साथ 25 लाख रुपए की लागत से नर्सरी कार्य का भूमि पूजन किया गया है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जन, पंच, सरपंच और शिक्षक गण मौजूद रहे। देखिए, बड़ी खुशी की बात है, ग्रामवासियों ने आज जल पर्व का आयोजन किया है। नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी स्कीम जल जीवन मिशन, जिसके अंतर्गत यहाँ लगभग 14,000 लीटर टंकी का निर्माण होना है, 83,67,000 रुपए की लागत से। रीपा के अंतर्गत कार्यक्रम स्वीकृत हुआ है, मनरेगा के अंदर तालाब का सौंदर्यीकरण का काम है, यहाँ के स्कूल के जीर्णोद्धार का काम है, महामाया मंदिर के जीर्णोद्धार का काम है, इनका सबका लोकार्पण हुआ है। और गुड़लिया मेरा गोद ग्राम है, पहले मैंने गुड़लिया को लिया था, फिर देवरी को लिया, सिमगा ब्लॉक में तुलसी को लिया, और मैंने प्रयास किया है सब गांव का विकास हो। आज हमारे ग्राम में जल पर्व का समारोह मनाया गया, जिसमें भूमि पूजन नर्सरी के लिए और एक टंकी के लिए और जुन्ना तालाब सौंदर्यीकरण के लिए, साथ ही साथ हमारे महामाया जो अभी बन के तैयार हुआ है उसका उद्घाटन और स्कूल का उद्घाटन हुआ है। आज आगामी में दिवाली पर्व, बच्चों को किस प्रकार से वितरण किया गया? बच्चों को शूज, जूता, मोजा और बेल्ट और टाई, ये वितरण किया गया। लगभग कितने बच्चों को दिया गया? लगभग 248। शाखा नहर का मांग बहुत वर्षों से है, लेकिन किसी कमी के वजह से, लेकिन अभी शिवरतन भैया के माध्यम से वो मांग को पूर्णतः उठाए हैं अभी, और आश्वासन दिया भैया किसी तरीके से उस नहर की एक शाखा नाली यहाँ हमारे गांव तक आ जाए।